शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 28। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 28। उन दिनों में पलिश्तियों ने इसराइल से लड़ने के लिए अपनी सेना इकट्ठी की और आकिश ने दाऊद से कहा, निश्चय जान कि तुझे अपने जनों समेत मेरे साथ सेना में जाना होगा। दाऊद ने आकिश से कहा, इस कारण तू जान लेगा कि तेरा दास क्या करेगा। आकिश ने दाऊद से कहा, इस कारण मैं तुझे अपने सिर का रक्षक सदा के लिए ठहराऊंगा। शमूएल तो मर गया था और समस्त इसराइलियों ने उसके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी और शाऊल ने ओझो और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। जब पलिश्ती इकट्ठे हुए और शुनेम में छावनी डाली तो शाऊल ने सब इसराइलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। पलिश्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत होकर कांप उठा। और जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और न उरीम के द्वारा और न भविष्यवक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो, फिर मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। तब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर दो मनुष्य संग लेकर रातोंरात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलावा और जिसका नाम मैं लूंगा उससे बुलवा दे। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है कि उसने ओझो और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले। शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड न मिलेगा। स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं। उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया, तू तो शाऊल है। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है। स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है। उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, औंधे मुंह भूमि पर गिर के दंडवत किया। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर उलवाकर क्यों सताया है। शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं क्योंकि पलिश्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है और अब मुझे न तो भविष्यवाणियों के द्वारा उत्तर देता है और न स्वप्नों के। इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया तब तू मुझसे क्यों पूछता है। यहोवा ने तो जैसे तुझसे कहलवाया था वैसा ही उसने व्यवहार किया है, अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। तूने जो यहोवा की बात न मानी और न अमालेकियों को उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, इस कारण परमेश्वर ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया। फिर यहोवा तुझ समेत इसराइलियों को पलिश्तियों के हाथ में कर देगा और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा और इसराइली सेना को भी यहोवा पलिश्तियों के हाथ में कर देगा। तब शाऊल तुरंत मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा और शमूएल की बातों के कारण अत्यंत डर गया। उसने पूरे दिन और रात भोजन न किया, इससे उसमें कुछ बल भी न रहा। तब वह स्त्री शाऊल के पास आई और उसको अति व्याकुल देखकर उसने कहा, सुन, तेरी दासी ने तो तेरी बातें मानी और मैंने अपने प्राण पर खेलकर तेरे वचनों को सुन लिया जो तूने मुझसे कहा, तो अब तू भी अपनी दासी की बात मान और मैं
तेरे सामने एक टुकड़ा रोटी रखो, तू उसे खा कि जब तू अपना मार्ग ले तब तुझे बल आ जाए। उसने इनकार करके कहा, मैं न खाऊंगा। परंतु उसके सेवकों और स्त्री ने मिलकर यहां तक उसे दबाया कि वह उनकी बात मानकर भूमि पर से उठकर खाट पर बैठ गया। स्त्री के घर में तो एक तैयार किया हुआ बछड़ा था, उसने फुर्ती करके उसे मारा, फिर आटा लेकर गूंधा और अखमीरी रोटी बनाकर शाऊल और उसके सेवकों के आगे लगाई और उन्होंने खाया। तब वे उसी रात उठकर चले गए।